हेलो दोस्तों, पीसी टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिएट फोल्डर को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। जिस जगह में आपको फोल्डर चाहिए दोस्तों, आप वहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेस्कटॉप में फोल्डर चाहिए है, तो राइट क्लिक करना है, न्यू में आ जाना है और फोल्डर पर क्लिक कर देना है, तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और दूसरे में अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है, तो वहीं पर सबको राइट क्लिक करना है, न्यू में आना है, फोल्डर करके न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और इसी को आपको नेम करना है, तो जैसे सेलेक्ट करेंगे इसको, एप टू को प्रेस करेंगे तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, एक जिससे विधि से कर सकते हैं। और दूसरा हम यहाँ पर जो कि इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ रीनेम करके आता है, आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और नाम उसको दे सकते हैं। और दूसरे विधि में हम लोग को कंट्रोल शिफ्ट और एन, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और इसी को आपको रीनेम करना है, तो आपको ऐप टूब से भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, या तो आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आता है, वहाँ पर रीनेम पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप कोई भी नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम शॉर्टकट विधि से भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।